तो रूस में इलेक्शन हुआ है जिसमें रूसी सदर पुटिन 87% वोट लेकर इलेक्शन जीत चुके हैं और ये रूस की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी लीडर को 87% वोट मिले हैं। इस पर कुछ लोगों ने तंज करते हुए ये भी कहा है कि रूसी सदर ने इलेक्शन में खुद को चुन लिया है। इसके अलावा पुटिन ने एक और रिकॉर्ड ये भी बना लिया है कि रूस की 200 साल हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई हुक्मरान इतनी लंबी मुद्दत तक रूस के ऊपर हुकूमत कर रहा है। व्लादिमीर पुटिन से पहले जो रूस के सबसे लंबे हुक्मरान रहे थे वो जोसेफ स्टालिन थे। ये वही डिक्टेटर थे जिनकी सरबराही में सोवियत यूनियन यानी कि रूस दूसरी वर्ल्ड वार जीता था। अब रूस का जो 1993 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि रूस एक फेडरल और एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन मगरबी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि रशिया में डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि रशिया एक ओलिगार्की कंट्री है। ओलिगार्की कंट्री ऐसा मुल्क होता है जहां पर एक छोटा ग्रुप आपस में मुशावरत करके मिल बांट के किसी खित्ते के ऊपर हुकूमत करता है। अब व्लादिमीर पुटिन के बाद दूसरे नंबर पर जिसको रूसी अवाम ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट निकोलाय खरितोनोव है। अब मजे की बात यह है कि लोग पहले से ही ये जानते थे कि इलेक्शन कौन जीतेगा, क्योंकि व्लादिमीर पुटिन के जितने भी ओपोनेंट्स हैं या तो वो जेल में हैं या मारे जा चुके हैं या फिर एग्जाइल में मुल्क से बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी पिछले महीने ही व्लादिमीर पुटिन के सबसे बड़े मुखालिफ अलेक्सी नवालनी कुछ खुफिया वजूहात की वजह से जेल में मर गए थे। यूक्रेनी सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये इलेक्शन रूसी अवाम के साथ फ्रॉड हुआ है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा।